मूवी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। इस मूवी में हम लोग देखने वाले एक ऐसी लड़की की स्टोरी जिसकी पैसा कमाने की आदत उसको एक नर्क में झोंक देती है। और वो काम ये था कि वो अपने जिस्म को बेचा करती थी कुछ बूढ़े लोगों को। गाइस इस मूवी में यही हमें स्टोरी बताई गई है, तो ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आप लोग नए आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के घर पे रहा करती थी। हम लोग देखते हैं कि सारा पैसे कमाने के लिए एक होटल में काम करती थी एक मेड का, वो वहाँ पर साफ सफाई किया करती थी। साथ ही साथ वो और कुछ पैसे कमाने के लिए एक हॉस्पिटल में रिव्यूअर का काम करती थी और साथ ही साथ एक बार काउंटर पर भी काम वो करती थी जिससे कि वो दो पैसे और कमा सके। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो बेसिकली वो लोग बहुत गरीब थे। तो हम देखते हैं कि रात को एक दिन सारा अपने एक फ्रेंड के साथ अपने उसी होटल में कुछ ड्रग्स के नशे कर रही है, यानी कि सूखे नशे कर रही है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि सारा और एक उसकी फ्रेंड अपने दो कस्टमर के साथ एक टॉस कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी लड़की लेगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ हमें पता पड़ता है कि इन दोनों का क्या काम था, ये हमें यहाँ पर पता पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि सारा घर पर आती है और वहाँ पर उनके बीच में एक डिस्कशन होने लगता है उसकी बहन और उसके बहन के हस्बैंड के। यहाँ पर डिस्कशन ये था कि इस महीने का जो रेंट था वो कौन भरेगा। हम देखते हैं कि सारा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सारा ने ही पिछले मंथ का रेंट भरा था। वो वहां से नाराज होकर अपने बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है जिसका नाम ब्रैंडन था और जो कि एक अखंड नशेड़ी था जो कि सूखे नशे करता था। हम लोग देखते हैं कि वो सारा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब हम लोग देखते हैं कि सारा एक टेलीफोन बूथ पर जाती है, उसको एक कॉल करनी होती है एक दूसरी जॉब के लिए। तो हम देखते हैं कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है एक घर में जॉब के लिए। तो हम देखते हैं कि वो लोग उसके पूरे कपड़े उतार के उसकी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करते हैं ताकि उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे तो हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो अप्रूव हो जाती है और हम देखते हैं उसको जो काम मिला था वो काम ये था कि उसे कुछ बूढ़े लोगों के सामने अनड्रेस होके यहाँ पर उनको डिनर सर्व करना था और उन्हें कुछ अट्रैक्टिव भी लगना था। हम लोग देखते हैं उसका बस यही काम था और उसको इसी काम के लिए बहुत सारे पैसे भी मिल रहे थे जिससे कि वो बहुत खुश थी क्योंकि उसको इतने सारे पैसे मिल रहे थे सिर्फ एक घंटे। तो अब तो भाई ये काम करते करते सारा को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। तो हम देखते हैं उसको एक दिन कॉल आता है उसकी मैनेजर का जिसने उसे रिक्रूट करा था इस जॉब के लिए, उसका नाम डेली होता है। हम लोग देखते हैं ये लोग रात को चाय पी रहे होते हैं, हमें पता पड़ता है कि डेली यहाँ पर सारा को एक रात को एक टी पिलाती है जिसमें कि वो कुछ ड्रग्स मिला देती है जिससे कि जो सारा थी वो रात को बेहोश हो जाए और उसके साथ जो कुछ भी हो वो उसे पता ना चले। सारा पहले तो मना करती है पर यहाँ पर कहती है कि ये हमारे नॉर्म्स में लिखा हुआ है और तुमने उसे एक्सेप्ट करा है तो तुम्हें ये पीनी पड़ेगी। तो सारा उसको रात को पी लेती है और वहाँ पर वो सोने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ठरकी लग रहा था और डेली को वो आदमी पैसे देता है उस लड़की के साथ सोने के लिए। डेली भी उस आदमी से कहती है कि तुम्हें उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तुम उसके साथ सो सकते हो, उसे टच कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह हो जाती है और सारा बिल्कुल फ्रेश फील कर रही थी। हम देखते हैं कि वो अपने रूम पर जाती है पर यहाँ पर उसके रूम का जो मालिक था वो यहाँ पर उसे चाबी नहीं देता। तो सारा वहाँ से निकल जाती है। अब उसके पास हे गाइस वेट वेट वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक और चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर नाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फेवरेट नाइम बता दीजिए जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। क्योंकि बहुत सारे पैसे भी आ गए थे तो वो एक 5-स्टार होटल में रूम लेती है और रात को वो वहाँ पर सोती है। अब हम लोग देखते हैं कि सारा को एक दिन हॉस्पिटल भी जाना होता है क्योंकि उसे एक नया काम मिला था, तो वहाँ से भी उसके कुछ 2-4 पैसे बन गए थे। अब हम लोग देखते हैं फिर से सारा को उसी रात की नाइट शिफ्ट जॉब के लिए जो जाती है उसी होटल में और वहाँ पर हम देखते हैं इस बार एक नया बूढ़ा आया था जो कि शक्ल से देखने में अखंड ठरकी लग रहा था। हम देखते हैं वो यहाँ पर डेली को पैसे दे देता है और डेली भी उसे नॉर्म्स पढ़ा देती है, उसे बता देती है कि तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते सिर्फ सो सकते हो। हम लोग देखते हैं अगले दिन सारा अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है और उसके साथ सोने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे एकदम से अटैक आ जाता है और उसके यहाँ पर डेथ हो जाती है। पता नहीं इसका रीज़न क्या था। हम लोग अब देखते हैं कि सारा को जो कि अब अपनी लाइफ में अकेले ही रहने लगी थी वो होटल में भी जाती थी, वहाँ पे साफ सफाई किया करती थी। अब हम लोग देखते हैं कि सारा का जो प्राइमरी वर्क प्लेस था यानी कि हॉस्पिटल, तो वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम क्या काम करती हो। हम यहाँ पर देखते हैं वो आदमी सारा को बहुत ज़्यादा चढ़ाता है, उसके साथ अपने सारे रिलेशनशिप्स तोड़ देता है। हम लोग अब देखते हैं सारा को जो कि यहाँ पर उसी रूम पे आती है जहाँ पर वो रात को नाइट शिफ्ट में काम किया करती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सारा अब यहाँ पे उसकी क्यूरोसिटी जागने लगी थी कि रात को जो डेली थी वो उसे कौन सी दवाई देती।
सारा कहती है कि मैं आज रात को इस दवाई को नहीं लूँगी, तो यहाँ पर डेली कह देती है ये तुम्हें लेनी पड़ेगी, ये हमारे नॉर्म्स में है। तो सारा उस दवाई को ले लेती है, पर वो वहाँ पे एक कैमरा लगा देती है जिससे उसे पता पड़ सके कि उसके साथ रात को क्या होता है। हम लोग अब देखते हैं अगले दिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो यहाँ पर ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मर जाता है। और सारा पहले तो उठ नहीं रही थी, पर बाद में वो उठती है और जैसे वो सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो उसे पता पड़ता है कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ करता था। सारा को जब इस बात के बारे में पता पड़ता है तो वो इस जॉब को तभी छोड़ देती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आप लोग गपा गप वाली मूवी देखने के शौकीन हो तो डेफिनेटली ये मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें वैसे वाले बहुत सारे सीन हैं जो कि मैंने अभी अपने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।